मुझे प्रोडक्ट से ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कंपनी से हर एक चीज़ में प्रॉब्लम है। जैसे कि आपने देखा कि गाड़ी लेने के टाइम मुझे कंपनी से इशू आया, चार्जिंग इंस्टॉलेशन के टाइम कंपनी से इशू आया, मैं उनके मालाड़ के शोरूम में गया, उधर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं। मैं उनके कस्टमर सर्विस को कॉल किया, सो कस्टमर सर्विस गाइस का मैं आज तक एक ही आंसर सुना। सपोज आपकी गाड़ी कहीं पे रुक गई, कुछ हो गया, तो वो सिचुएशन में क्या होगा आपका? वो नहीं पता नहीं पता, सच में नहीं पता। वेलकम टू रेयर व्यू रिव्यूज। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आप अगर एक स्कूटर लेने की सोच रहे हो तो आपके दिमाग में सबसे पहले यही बात आएगी कि आज की तारीख में पेट्रोल स्कूटर खरीदे या कि इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए जाए। सो जहाँ पे इलेक्ट्रिक स्कूटर की बात आती है तो आप वहाँ पे सोचने पर लगोगे कि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आएगी करके, क्योंकि सबके दिमाग में यही चलता रहता है। क्योंकि ये अभी तक एक मिथ बना हुआ है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर एक्चुअली लॉन्ग टर्म किसी ने इतना यूज़ नहीं किया है तो कोई बता नहीं सकता है। तो आपके दिमाग में यही चलेगा कि बैटरी कितनी चलेगी, सर्विस कैसे मिलेगी। तो यही सब आपके मिथ को हम पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे, क्योंकि आज हमारे पास जो है ओला की S1 Pro, तो इसके जो ओनर है इन्होंने मतलब 6 महीने तक ये स्कूटर चला दिया है, तो इनसे हमें अच्छा खासा एक्सपीरियंस सुनने के लिए मिलेगा इनका कि इलेक्ट्रिक स्कूटर की सर्विस कैसी है और मतलब क्या क्या इनको प्रॉब्लम्स आ रही है। तो उससे आपको डिसीजन मेकिंग के अंदर काफ़ी आसानी होगी कि इलेक्ट्रिक की तरफ जाए या तो पेट्रोल की तरफ जाए। और इसके जो ओनर है वो है मिस्टर प्रवीण, जो रहने वाले हैं मुंबई के। तो चलो उनको बुलाते और जानते हैं उनका एक्सपीरियंस अबाउट हिज इलेक्ट्रिक स्कूटर। वेलकम मिस्टर प्रवीण टू रेयर व्यू रिव्यूज। हाई। सो सर, आपकी सबसे पहले आपकी गाड़ी का मॉडल मतलब क्या, आपने कब खरीदी थी? ये गाड़ी मैंने खरीदी थी January 2023। ऑब्वियसली मैंने बुक किया था 29 दिसंबर को, जो मुझे डिलीवर हुआ था 28 जनवरी को। 28 जनवरी को, एक महीने के बाद डिलीवरी मिली थी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपको। और मतलब जब आपने ये गाड़ी बुक करने गए थे तभी कुछ प्रॉब्लम्स हुआ था, मतलब इनका बिहेवियर कैसा था? मतलब नहीं, बुकिंग के टाइम पे तो सब सही था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। इवन बुकिंग का जो प्रोसेस है वो भी उनका बहुत स्मूथ है। ओके। बट प्रॉब्लम यहाँ आया मुझे कि मैंने बुक किया 29 दिसंबर को, वो लोग ने मुझे प्रॉमिस किया कि 1 वीक के अंदर गाड़ी आपका आ जाएगा। अच्छा। मैं एक्चुअली पहले एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि गाड़ी 1 वीक में आएगा, बिकॉज गाड़ी बहुत चल रहा था तभी। सो मुझे वो डेट सुन के मैं खुश हो गया। बट प्रॉब्लम आगे ऐसा आया कि वो 5 तारीख के बाद या 1 वीक के बाद मुझे किसी ने ठीक से रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। मैं मुड़ के मालाड़ के शोरूम में गया, उधर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं। मैं उनके कस्टमर सर्विस को कॉल किया, सो कस्टमर सर्विस गाइस का मैं आज तक एक ही आंसर सुना, वी डोंट नो। अच्छा। उनके पास एक ही जवाब है। मैं आगे मैं आपको बताऊंगा कि मल्टीपल प्रॉब्लम से मैंने कॉल किया उनको, पर उनके पास यही आंसर है, वी डोंट नो। ओके। सो ऐसा करते करते मैंने बहुत फॉलोअप लिया, फिर मतलब एट द एंड मुझे गाड़ी 20 जनवरी को मिला, 19-20 जनवरी को। ओके, तो बट मतलब ये टाइम बहुत छोटा है गाड़ी के लिए, डिलीवरी के लिए, बट हर दिन मैं फॉलोअप ले रहा था, वो एक हेडेक था। ओके, तो उनका जो कमिटमेंट था वो लोग ने एक्चुअली पूरा नहीं किया, ज्यादा फुलफिल नहीं किया। और फिर एंड में मैंने वो लोग के मतलब आखिर में भी हुआ ऐसा था कि मैंने वो गूगल मैप्स पे जो उनका सेंटर का मालर के सेंटर का जो लोकेशन है उस पर मैंने रिव्यू डाला था कि पैथेटिक एक्सपीरियंस गेटिंग एवरीथिंग। तो उसके बेसिस पे उनके मैनेजर ने मुझे कॉल किया था। अच्छा। और फिर मुझे गाड़ी डिलीवरी मिला था। ओके ओके। तो आपको तभी ये मतलब ऑन रोड क्या पड़ गई थी मुंबई में? मुझे ये ऑन रोड पड़ी 1.5 लाख के करीब, 1,54,000 समथिंग, 1,50,000 इंक्लूडिंग एवरीथिंग। इंक्लूडिंग एवरीथिंग। हालांकि उनके अभी उनके एक नोटिफिकेशन आई है कि उसमें 15,000 रिफंड मिलने वाला है, तो वो लोग ने मेरे बैंक डिटेल्स ले लिए है, बट अभी तक रिफंड नहीं आया। किस चीज़ के 15,000 रिफंड दे रहे हैं आपको? वो गवर्नमेंट का कुछ रूल था कि आपको चार्जर के पैसे गाड़ी के एक शोरूम प्राइस के अंदर रखना है, ऐसा कुछ नोटिफिकेशन था, मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम। सो वो हिसाब से S1 Pro के ओनर्स को 15,000 रिफंड होने वाला, ऐसा अनाउंस तो हो गया है। Okay. मेरे बैंक डिटेल्स भी ले लिए है, बट अब तक रिफंड नहीं आया, वो आ जाएगा आई गेस। आज की तारीख में इंडिया के अंदर ईवी को लेके मतलब है ना इतना इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सब है नहीं, मतलब राइट, चाहे स्कूटर हो या मतलब फोर व्हीलर हो, इतना नहीं है। राइट, तो ऐसे टाइम पे मतलब ईवी मतलब इलेक्ट्रिक बाइक खरीदना एक्चुअली मतलब काफी गट्स का काम है मेरे हिसाब से। तो आपने मतलब ईवी की तरफ, आपको ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया कि आप ईवी की तरफ, इसके लिए तरफ? सो आपका क्वेश्चन बहुत वैलिड है, ये लेने के टाइम मुझे भी फील हुआ था कि एक्चुअली ईवी की तरफ अपन जा सकते हैं कि नहीं, इसीलिए मैंने ईवी कार प्रेफर नहीं किया आज तक। अच्छा। बट ईवी बाइक बोला, ये रिस्क तो ले सकते हैं और इसके ऊपर अपन मतलब कुछ तो अपने को कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आगे ईवी कार ले सकते हैं या नहीं ले सकते। सो वो मन में रख के मैंने ईवी स्कूटर बुक कर दिया। हालांकि मैं जब मैं ले रहा था तब मैं एथर देख रहा था, ओला देख रहा था और 2-3 और बहुत सारे ब्रांड्स आ गए ईवी में। मैं रिवॉल्ट भी देखा। हाँ। रिवॉल्ट मुझे चलाने में मुझे थोड़ा ऑड लगा, वो मुझे लगा कि मैं नहीं शिफ्ट हो पाऊंगा पेट्रोल से ईवी पे। बट जब मैंने ओला चलाया, ओला का टेस्ट ड्राइव लिया, तो मेरे को ओला पसंद आया। एथर का थोड़ा हाइट कम है और इसका जो रिच फील है ना, ये पोर्शन का जो रिच फील है, ये फील उसमें नहीं है। और लुक वाइज आपको कौन और लुक तो ऑब्वियसली इसका मेरे को बहुत अच्छा लगा। लुक्स में तो अलग ही है, फुल रेट्रो रेट्रो लुक है। तो आप इसके पहले मेरा एवेंजर था,
अच्छा, जो मुझे बहुत खर्चे निकल रहा था, हर सर्विस पे कुछ ना कुछ पार्ट उसका जाता था। सो और वो 220cc था तो उसको एवरेज भी बहुत कम था। सो आई थॉट अभी टोटल हमने थोड़ा सा सेविंग के हिसाब से भी, मतलब सेविंग के हिसाब से बोल सकते हैं, बट ये स्कूटर इतना महंगा है कि सेविंग होता नहीं है बट ठीक है मतलब। सो आपको महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सब्सिडी मिली है गाड़ी के ऊपर? ये नहीं, जब भी मैं बुकिंग के लिए गया था तभी मुझे ओला के यहाँ से बताया गया कि अभी सब्सिडी बंद हो चुका है। So, मुझे कोई सब्सिडी नहीं मिली। तो हमारा एक रुपया भी सब्सिडी आपको कुछ नहीं मिला? नहीं नहीं, मुझे सब्सिडी कुछ नहीं। ये गाड़ी चार्जिंग होने के लिए कितना टाइम लेती है? ये चार्जिंग होने को ऑलमोस्ट सिक्स एंड हाफ आवर्स लेती है। और so, इनके कुछ स्टेशन है ऐसे, मतलब इनके चार्जिंग स्टेशन तो है, जैसे कि मलाड में है, मैंने मैप में भी देखे उनके कि थाने में है, वाशी में है, बट मैंने उधर कभी चार्ज नहीं किया। मैं जैसे मैं आपको दिखाया कि घर पे नीचे मैं चार्जिंग सेटअप कर दिया, मैं वहाँ पे ही चार्ज कर रहा। ओके, तो जब ये सेटअप लगाया था आपने तो मतलब ये सेटअप ओला वाले आके लगा के गए? ओला वाले आके लगा के गए। इसमें भी एक इशू है कि जैसे ही गाड़ी का डिलीवरी हुआ 19 या 20 जनवरी जो कुछ डेट थी वो तारीख पे, उसी दिन या उसके एक दिन पहले मैंने ये लोग को कॉल करके इन्फॉर्म किया कि मेरा गाड़ी आ रहा है, आप इंस्टॉलेशन का प्रोसेस चालू कर दो करके। सो उसमें भी मुझे मल्टीपल फॉलोअप्स लगे, उसके बाद एक महीने के बाद वो लोग आए सेटअप करने को। सो आप सोचो कि गया, नया गाड़ी आया मेरे पास चार्जिंग वाला, तो सिर्फ चार्जिंग पे चलता है, पर उसका चार्जिंग सेटअप नहीं था मेरे पास। सो मैं सोसाइटी को रिक्वेस्ट करके सोसाइटी के यहाँ पे चार्ज कर रहा था, या कभी जो जो मेरा दोस्त ग्राउंड फ्लोर रहता है उसके घर जाके मैंने एक बार चार्ज किया है। okay. मेरे ऑफिस मैंने चार्ज किया है। तो एक महीना मैंने ऐसे ही निकाला। तो मतलब सर्विस काफी खराब लग रही है मेरे को। हाँ, मतलब इन शॉर्ट सिंपली बताओ तो कंपनी ने इतना अच्छा प्रोडक्ट बना दिया कि उनसे वो बेयर नहीं हो रहा है, ऐसा मेरा ओपिनियन है। उनको उन्होंने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि उनका ओला इतना बिकेगा और उनको इतना सर्विस, इतने लोगों को रीच आउट करना पड़ेगा। सो वो उनको, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनसे वो नहीं हो रहा है। का जो परफॉर्मेंस है, जैसे इसके अंदर चार मोड्स हैं, हाँ, राइट। तो सबसे पहला मोड है इको, तो इको के अंदर मतलब परफॉर्मेंस कैसा है मतलब गाड़ी का? इको मोड एक्चुअली परफॉर्मेंस तो इको में है नहीं, वो कंपनी खुद बोलती है। इको में आप मैक्सिमम स्पीड आई गेस 40 के ऊपर नहीं जा सकते। ओके, सो मैं तो कभी इको पे नहीं चला था, बट मैं नॉर्मल मोड पे चलाता हूँ हमेशा गाड़ी। पर इको मोड में आपको सबसे ज्यादा एवरेज मिलेगा, मतलब सबसे ज्यादा रेंज मिलेगा। सबसे ज्यादा रेंज मिलेगा, ये बात आपकी बराबर है, बट अगर आप वो पर्सन है जो 40 के अंडर चला सकते हो हमेशा, सो यू कैन गो फॉर दैट। और उतना ही बात नहीं है कि 40 का लिमिट है, आपको वो हिसाब से पिकअप भी बहुत कम है। अच्छा, सो गाड़ी लेट उठेगा ट्रैफिक में, अगर किसको आपको सामने से कोई आ रहा है आपको फटक से निकलना है तो नहीं हो पाता है वो चीज़। ओके, वो नॉर्मली थोड़ा लैग करता है और इको में बहुत लैग करता है। सो ओवरऑल वो मोड के हिसाब से मोड बहुत अच्छा है, पर आपके यूसेज के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, सो और इसमें ऐसा है कि अगर आप नॉर्मल मोड पर चला रहे हो और चार्जिंग 15% पे आ जाता है तो आपको कंपलसरी इको पे ही चलाना पड़ता है। तो तभी मैं इको एक्सपीरियंस करता हूँ। तो तभी मुझे समझ आता है कि मैं लाइफ टाइम नहीं चला सकता इको। नॉर्मल यू कैन ड्राइव नॉर्मल मोड पे भी, मतलब कैसे चलती है अपनी नॉर्मल स्कूटर वाली, उस पे चलती है कि उससे थोड़ा लैग है? उससे इनिशियल में थोड़ा लैग है, इनिशियल में। okay. बाद में मतलब एक बार पिकअप पकड़ लिया गाड़ी ने तो फिर गाड़ी 80 भी टच करता है नॉर्मल मोड। अच्छा, ऑब्वियसली थोड़ा टाइम ज्यादा लेगा, थोड़े 2-3 सेकंड्स एक्स्ट्रा लेगा, बट नॉर्मल मोड इज ओवरऑल गुड। और स्पोर्ट्स और हाइपर में तो पूछो ही मत, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मतलब इतना पिकअप है कि ऐसा लगता है कि स्कूटर में इतना स्पीड होना चाहिए कि नहीं। अच्छा। हाइपर में तो बहुत भागता है। okay. तो मैं आपको बोलूंगा, मैं आज तक हाईवे पे यूज किया हूँ हाइपर, इतना अच्छा भागता है कि मैं खुद फिर डाउन करता हूँ कि नहीं इतना नहीं भगाना है। नहीं, हाइपर तो मैंने भी देखा है एक्चुअली, हाइपर मोड के अंदर मतलब ड्रैग रेस के अंदर हाइपर हिमालयन को भी हरा देती है। हाइपर बहुत भागता है, बहुत ज्यादा भागता है। तो मतलब नॉर्मल मोड्स के अंदर आप चलाते तो आपको क्या रेंज मिलता है? मैं जनरली नॉर्मल पे चलाता हूँ, सो मुझे 100 किलोमीटर्स का रेंज मिलता ही है। 100-105 फुल चार्जिंग के ऊपर? फुल चार्जिंग 100 करने के बाद। ओके, तो इसमें कुछ रीजन होता है कि नहीं होता? रीजन है इसके अंदर? रीजन तो एक्टिवेटेड है मेरा ऑब्वियसली, जब भी मतलब अगर आप एक्सीलेटर छोड़ दो तो गाड़ी ब्रेक लगाना चालू कर देता है, और रिवर्स एक्सीलेटर पे भी ब्रेकिंग करता है। सो वो सब इंक्लूड करके ही मेरा ये रेंज आता है। मेरा रीजन हमेशा चालू ही रहता है। ओके, मेरा आई गेस लेवल 1 पे चालू है, उसके भी 3 लेवल्स है। हाँ, सो मैं लेवल 1 पे रखा हूँ उसे। अच्छा, तो वो सब मिला के मतलब लाइक, तो रीजन से कभी कुछ ऐसा हुआ है कि आपने देखा है कभी बढ़ा हो कुछ 1% चार्ज? अभी वो मैं एक्चुअली नहीं बढ़ा था बिकॉज मेरा रीजन डे 1 से एक्टिवेटेड ही है, मैं कभी ऑफ करके ट्राई नहीं किया या फिर लेवल बढ़ा के ट्राई नहीं किया। अच्छा, बिकॉज उससे थोड़ा एक्सपीरियंस भी अलग होता है। मेरे पास 2 बाइक्स है तो होता कैसा है कि ये बाइक चलाना और वो बाइक चलाना साइमल्टेनियसली थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, बिकॉज इसमें रीजन एक्टिवेटेड है, इसका डायनामिक्स अलग है, राइडिंग डायनामिक्स उसका अलग है। सो मैं नॉर्मल पे ही रखा हो ताकि मैं दोनों बाइक एक टाइम पे चला पाऊँ, कभी ये कभी वो। ऐसा इसके जो सस्पेंशन है गाड़ी के, सस्पेंशन की ट्यूनिंग कैसे की हुई है, मतलब कंफर्ट है इसकी राइड काफी? हाँ, राइडिंग पे कंफर्ट पे मुझे लगता नहीं कोई प्रॉब्लम है, बहुत अच्छा है। इसका सीट बहुत वाइड है, सो
तो मतलब मैक्सिमम आप कितना किलोमीटर तक गए हो गाड़ी को लेके? एक टाइम पे ऑब्वियसली मैंने 90 किलोमीटर किया है। एक बार मैं पनवेल रिटर्न किया था, अच्छा, तभी 100 पे निकला था, यहाँ पे आने के बाद मेरे 10 किलोमीटर से कम की रेंज बाकी थी, पर मैं घर तक आ गया था। अच्छा, सो उतना मैं चला लिया। तो उतना आपने चलाया, तो मतलब वो टाइम पे आपको मतलब कंफर्ट, मतलब इतना हाईवे के ऊपर भी आप गए थे तो कंफर्टेबल थी गाड़ी? कंफर्टेबल, कोई प्रॉब्लम। और हाईवे पे चलने में मतलब भी कंफर्टेबल है, मतलब एकदम स्टेबल है हाईवे पे? हाँ हाँ, मतलब टू बी स्पेसिफिक बोला जाए तो जितना कंफर्ट आप स्कूटर से एक्सपेक्ट करते हो, ऑब्वियसली ये स्कूटर आपको क्रूजर बाइक की तरह कंफर्ट नहीं देने वाला। हाँ, so जितना कंफर्ट आपको स्कूटर देना चाहिए उतना देता है। इसके अंदर जो टायर्स दिए हुए कैसे, मतलब टायर्स इसके ग्रिपिंग वाइज बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं अभी तक तो। मैं जनवरी में लिया हूँ, आज जून चल रहा है अभी, सो अभी तक बारिश का एक्सपीरियंस मेरा है नहीं। अच्छा। बट अब तक का एक्सपीरियंस तो मेरा बहुत अच्छा है, टायर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक चीज नोट करें जैसे कि इसके ब्रेकिंग बहुत अच्छे है। मतलब मैं ऐसे ब्रेकिंग बाइक्स में नहीं देखा हूँ, ऐसे ब्रेकिंग ओला के। ओके, इंस्टेंट ब्रेकिंग है, मस्त रुकता है गाड़ी, कोई टेंशन नहीं, फुल कॉन्फिडेंस है, फुल कॉन्फिडेंस है। हाँ हाँ, ब्रेकिंग बहुत अच्छा है गाड़ी। ओके, जो मिरर्स दिए हुए, मिरर्स सेटिस्फाई, मतलब इनफ है बैक व्यू के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका हेडलाइट कैसा है गाड़ी का? हेडलाइट का भी थ्रो वगैरह अच्छा है, डिसेंट है। जैसे कि अपना अपन मतलब स्कूटर कोई बहुत स्पीड पे चलाता नहीं है, तो वो हिसाब से थ्रो अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सिटीज के बाहर भी आई थिंक ये इलेक्ट्रिक स्कूटर, तो सिटीज के बाहर आप लेके भी नहीं जाओगे? नहीं, मैं पनवेल के आगे नहीं गया उसके लिए, जहाँ पे अंधेरा रहता है, मतलब हाईवे पे। हाँ, तो वो एक्सपीरियंस आया ही नहीं है। सो सिटी में तो अपने लाइट्स होते हैं, सो हिसाब से तो कोई दिक्कत आई नहीं है कभी। तो मतलब फिर भी ठीक है, मतलब सिटी के हिसाब से ओके लाइट। ओके ओके ओके, और मैंने लिया भी सिटी के हिसाब से ही है। ओके, तो इलेक्ट्रिक लेके आप बाहर किधर ही जाओगे? आप गोरेगांव से पनवेल जाने में 50 किलोमीटर हो जाता है, रिटर्न में आपको आना है तो आपका रेंज खत्म। तो अगर आप चार्जिंग का कुछ करते हो तो आप आगे जा पाओगे, वैसा मैंने कुछ ट्राई किया ही नहीं। कि जो आगे के सस्पेंशन की जो क्वालिटी थी, बीच में जो वीडियोस आए थे, मतलब टूट गया था, एक्सीडेंट हो गया था लोगों के। मैं परचेस करने के बाद इमीडिएट मैंने वो वीडियोस देखे, उससे मैं भी डर गया था। उसके बाद लिटरली मैंने मेरा राइडिंग स्टाइल चेंज कर दिया था कि खड्डे आए तो भाई ब्रेक लगाओ, आराम से निकलो, क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं है। फिर अभी रिसेंटली ओला ने अनाउंस किया है कि वो लोग अपग्रेड करके दे रहे हैं, सो यू हैव टू बुक द अपॉइंटमेंट एंड यू हैव टू गो देयर एंड यू हैव टू जस्ट रिप्लेस इट इन द फ्री। एट फ्री ऑफ कॉस्ट। सो वो मेरा अपॉइंटमेंट जुलाई का ड्यू है, जो मैंने आई गेस मार्च में बुक किया था। सो मार्च में मुझे जुलाई का अपॉइंटमेंट मिला है, वो भी थाने लोकेशन का। सो मेरे को रीशेड्यूल करा के मालाड में लेना है, बट ठीक है, देखते हैं अभी। मुझे एक्चुअली अब देखा जाए तो मुझे यही फील हो रहा है कि एक तो इनके कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बढ़ गए रहेंगे, प्लस इनको 15,000 रिफंड करने पड़े, प्लस इनको हर एक गाड़ी का फोक अपडेट कराना पड़ा, तो इस सब में कंपनी बहुत बिजी हो गई है। इसमें सर्विस, इसके लिए सर्विस लैक कर हो रही है कस्टमर्स के लिए। सो ओला को इस पे ध्यान दे के कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो इससे कुछ सर्विसिंग नहीं होती, मतलब जैसे बाइक्स की होती है अपनी, जैसे हाँ, पीरियोडिक सर्विस नहीं होता ये गाड़ी? पीरियोडिक सर्विस नहीं है इसके अंदर। इससे मैं भी थोड़ा शॉक था, बिकॉज अपन इतने साल से ऐसे ही यूज करते आ रहे हैं। सो मुझे समझाया गया कि आपके यहाँ पे पीरियोडिक सर्विस है नहीं, बिकॉज गाड़ी में इंजन ही नहीं है। इंजन नहीं है तो किसका सर्विस करोगे, मतलब पीरियोडिक सर्विस नहीं आता है। सो आपको कोई भी कुछ भी डिफेक्ट आएगा ना गाड़ी में, सो आपको ओला में कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक करना है, और फिर वो लोग घर पे आके या आप सर्विस सेंटर में जाके वो इश्यू सॉल्व हो जाए। तो आपको कितने इयर्स की वारंटी दिया है इसके ऊपर? एक्चुअली वारंटी कुछ वारंटी, मतलब आई गेस साल का वारंटी है, मैं अभी इतना पेपर्स नहीं देता हूँ, बट मुझे वारंटी का इतना पता है कि हर कंपनी उतना वारंटी देता है जितना उनका प्रोडक्ट चलता है। देखो आज की तारीख में एक्चुअली मेरे को ना 3-4 लोग मिले भी थे, मतलब कि कौन सी बाइक ले, स्कूटर ले इलेक्ट्रिक, तो उनका सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि अगर इसकी बैटरी खराब हुई तो क्या करेंगे। हाँ, वो सवाल तो है, बट आपके ड्राइविंग में मतलब राइडिंग में इतना पैसा बच रहा है स्टार्टिंग में, तो उतना एंड में आप यूज कर पाओगे? 60-70 हज़ार रुपए की बैटरी आ जाएगी। ये क्वेश्चन मैंने पूछा था शोरूम में, तो उन्होंने मुझे लॉजिक ऐसा बताया कि आज के दिन के बैटरी का प्राइस आप मत कंपेयर करो, बिकॉज 6-7 साल बाद वो बहुत कॉमन हो जाएगी, वो चीज जो आज रेयर है वो 6-7 साल बाद ऑब्वियसली कॉमन हो जाएगी। सो तब भी प्राइस ड्रॉप होगा, और ये तो अपन को जनरल रूल है कि जिसकी जिसका जो चीज़ ज़्यादा कॉमन होती है वो सस्ती हो जाती है। बट एक्चुअली इन्फ्लेशन जिस हिसाब से बढ़ा है उस हिसाब से लगता नहीं कि सस्ती होगी। देखते हैं अभी वो, मतलब वो मैं माइंड में रख के चलाऊँ कि देखते हैं वो टाइम पे कैसा होता है वैसा। आपको मतलब ये गाड़ी में आप क्या क्या प्रॉब्लम्स आई इसके बारे में आप कुछ बता सकते? गाड़ी में आज तक मुझे एक भी प्रॉब्लम नहीं आया है। ओके, मैंने एक दो बार मुझे रिसेट करना पड़ा था, वो उसका मतलब स्टार्ट नहीं हो रहा था तभी, बट दैट इज़ फाइन, इलेक्ट्रिक चीज़ है, अपना मोबाइल भी अपने को स्विच ऑफ करना पड़ता है। एक आज तक एक दो बार हुआ है मेरे साथ वो 6 महीने में। तो मतलब क्या प्रॉब्लम आई, थोड़ा डिटेल में बता सकते हो? प्रॉब्लम मुझे ये आया था कि क्लच दबा के स्टार्ट करने पे गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। ओके, सो एक्सीलेटर दे रहा हूँ लेकिन गाड़ी आगे नहीं जा रहा था। सो मैंने एक बार वो जो दो बटन दबा के रिसेट करना होता है वो कर दिया, तो गाड़ी चालू हो गई। ओके, तो आपने वो इस चीज की बात उनसे की थी, मतलब सर्विस सेंटर पे? नहीं, ये मैंने यूट्यूब पे देखा हुआ था, रील्स में देखा हुआ था कि
ऐसा गाड़ी रिस्टार्ट करते हैं। रिस्टार्ट, बट ये प्रॉब्लम क्यों आता है ये नहीं आपको पता? मतलब नहीं, नहीं, हैंग हो जाता है सिस्टम इसका, क्या हो जाता है? आई गेस हैंग होता रहेगा, हैंग हो जाता है। ओके, बट आज तक एक दो बार ही हुआ है मेरे साथ और वो इंस्टेंटली रिसेट हो जाता है, तो इंस्टेंटली चालू हो जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं लगा। तो इसके अभी जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है इसके अंदर क्या क्या आपको चीज़ें मिलती है? मतलब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में बहुत सारे फीचर्स है, जैसे कि आप वाइल्ड राइडिंग आप कॉल उठा पाओगे, कर नहीं सकते उठा पाओगे और बात कर सकते हो, और इसके स्पीकर्स में आवाज आता है। अच्छा, मतलब ओके, पूरी दुनिया सुन सकती है। सो अगर अगर आप राइड कर रहे हो तो ऑब्वियसली कोई नहीं है सुनने को आसपास, तो आप कॉल पे बात कर सकते हो। वो मैंने किया है और वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। अच्छा। मुझे लगा नहीं था कि मेरा आवाज सामने को जाएगा, पर यहाँ पे माइक प्लेस्ड है तो वो प्रॉब्लम सॉल्व है, आप बात कर सकते हो। ऑब्वियसली आपने देखा रहेगा रोड पे लोग गाने भी नहीं सुनते हैं वाइल्ड राइडिंग। मैप्स है, मैप्स है जो नाम के कोई यूज के नहीं है, बिकॉज उसका GPS चलता ही नहीं है। तो डेस्टिनेशन आपने डाल दिया, आपका करंट लोकेशन दिखाता ही नहीं। ओके, सो वो यूज करना तो नाके बराबर है, वो है दिया है, कभी आगे जाके अपग्रेड होगा तो देखते हैं। और वो सब छोड़ के आपको रेंज दिखता है, टाइम दिखता है, चार्जिंग दिखता है, और बहुत सारे मतलब सेटिस्फैक्ट्री है, और कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें, सब कुछ है। मतलब काफी एडवांस है, मतलब काफी एडवांस है, काफी एडवांस, बहुत कुछ दिख मतलब जितना चाहिए उतना सब कुछ है उसके अंदर। खाली एक दो मैप वैप का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। हां, मैप बस मैप का इशू है पूरे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, मैप में भी प्रॉब्लम ये है कि मैप चलता है पर उसका करंट लोकेशन वो ले नहीं पाता। सो आप मैप में अगर आप ऑन दी गो हो, सो आपको करंट लोकेशन बहुत मैटर करता है, तो वो नहीं चलता बस। पर उसमें eSIM है तो पता नहीं eSIM का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है कि उसका GPS नहीं चल रहा है ठीक से, पता नहीं मुझे। बट मैंने बहुत लोग को पूछा किसी का मैप नहीं चलता है, सो मैं बोला छोड़ दो। तो इस गाड़ी के अंदर मतलब यूनिक चीज है और अच्छी चीज है क्या लगती है कि गाड़ी की सिर्फ यही गाड़ी के अंदर आती है और दूसरी कोई स्कूटर्स में? गाड़ी तो बहुत मतलब फीचर रिच है, जैसे कि इसमें एक फीचर है क्रूज कंट्रोल का, जो भी मिनिमम 10 लाख की कार में आता है, जो इसमें डायलॉग डाल दिए। ओके, वो एक फीचर है। प्लस इसमें आप सॉन्ग्स प्ले कर सकते हो ऑब्वियसली, और इसमें एक बहुत अच्छा फीचर है पार्टी मोड का, जैसे कि आप गाड़ी खड़ा करके अगर सॉन्ग्स प्ले करके पार्टी मोड ऑन कर देना तो सॉन्ग्स के बीट्स पे उसकी लाइट्स ग्लो होती है। अच्छा, गाड़ी जो आपको रात में बहुत मतलब मजेदार चीज़ है, अगर आप किधर जाके ये ऐसा सुनोगे तो बहुत अच्छा है। ओके, इसके अंदर एक्चुअली कीज नहीं मिलती है, तो आपको कैसे मतलब इसको अनलॉक कैसे करना पड़ता है गाड़ी? दो तरीके हैं, एक तो आप पासपोर्ट डाल के भी अनलॉक कर सकते हो इसको, या फिर और वो पासपोर्ट आपका पर्सनल होता है, मतलब अगर आप अभी मैं और मेरा भाई गाड़ी चलाते हैं तो उसका अलग लॉगिन है, मेरा अलग लॉगिन है गाड़ी में, तो लॉगिन क्रिएट करना पड़ता है अपने को। हाँ, ऐप से क्रिएट होता है वो। ओके, सो ऑब्वियसली पहला लॉगिन मेरा था क्योंकि मैं ओनर हूँ, सो मैंने भाई का एक लॉगिन बना दिया, तो वो उसके पासपोर्ट से खुलता है, मैं मेरे पासपोर्ट से खुलता हूँ। सेम वे दोनों के फोन में ऐप है, दोनों के ऐप से आप अनलॉक के बटन पे क्लिक करोगे तो अनलॉक हो जाएगा। तो ऐप के अंदर आपको क्या क्या दिखाता है? मतलब आपका ये दिखा था, परफॉर्मेंस दिखा था, आपकी राइड का परफॉर्मेंस कैसा था, क्या ऐप में आपको स्कूटर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, प्लस आपके जो बाइक के डॉक्यूमेंट्स है वो आप अपलोड कर सकते हो, जो बाइक में दिखते हैं, जो आप पुलिस को दिखा सकते हो, RTO वालों को सामने सामने, प्लस आपकी गाड़ी कितनी चली है ओवरऑल वो दिखता है, आपकी ये चार्जिंग कितनी चार्जिंग पेंडिंग है तो ऑब्वियसली दिखाता है, प्लस गाड़ी चार्जिंग पे है कि नहीं है वो दिखाता है, और ओनर्स इन्फॉर्मेशन दिखाता है, प्लस और मैं बोलूँ तो ये चार्जिंग पे कितना टॉप स्पीड गया, कितना वो सब भी एनालिटिक्स दिखा देता है। तो अभी जैसे आपने चार्ज पे नीचे लगा के चले गए तो इसमें ऐसा कुछ इश्यू नहीं जैसा मतलब 100% चार्ज हो गई तो उसके बाद खुद ब खुद स्टॉप हो जाती चार्जिंग? नहीं नहीं नहीं, आई गेस जितने मैंने मतलब इसके फायर के केसेस जो देखे हैं उसका पर्सनली मुझे रीज़न लगता है ओवर चार्जिंग। अच्छा, ऐसा ये मेरा मानना है, मुझे टेक्निकल नहीं मालूम मतलब एग्जैक्ट क्या है पता नहीं, सो मैं ओवरचार्ज नहीं होने देता। अभी मुझे इशू नहीं है बिकॉज मैं मेरे वॉचमैन को बोल के रखता हूँ, वो मुझे टाइमिंग दिखा दे कि ये टाइमिंग पे 100% हो जाएगा। अच्छा। तो उसके ऊपर मैं 10 मिनट बढ़ा के ये लोग को बोल देता हूँ कि ये टाइम पे आप बंद कर दो। तो आप मतलब आपको ऐप में दिखाता होगा ना कि चार्ज हो गया? वो भी नोटिफिकेशन आता है कि आपका फुल चार्ज हो गया। सो वैसे मैं कॉल करके कस्टमर वॉचमैन को या फिर जनरली मैं कैसा करता हूँ, जब भी मैं सुबह उठ जाता हूँ मॉर्निंग वॉक के लिए निकलता हूँ तभी उठ के गाड़ी चार्जिंग को लगा देता हूँ, और ऑफिस निकलने का टाइम 10:30 के आसपास है, तब तक गाड़ी चार्ज हो जाता है बिकॉज हमेशा गाड़ी जीरो पे नहीं आता। सो मेरा निकलने तक चार्ज हो जाता है गाड़ी। तो आप डेली मतलब डेली चार्ज करते हो इसको? डेली नहीं चार्ज करना पड़ता, जैसे कि मेरा ऑफिस अंधेरी में है, मैं गोरेगांव में रहता हूँ, मेरे भाई का ऑफिस बैठ रहा है, हम दोनों भी लेके गए तो उसको ऑलमोस्ट 2-3 दिन चल जाता है और मुझे पूरा वीक चल जाता है। ओके, बिकॉज यहाँ से अंधेरी 5 किलोमीटर है, 5-6 किलोमीटर। अच्छा, सो डेली चार्ज नहीं करना पड़ता है वो, इसकी बहुत अच्छी बात है। ओके, तो एक्चुअली हाँ अब जब फायर की बात हुई तो मतलब एक दो तो मतलब चलती गाड़ियों के अंदर भी फायर लगी है। हाँ, मैंने वीडियोस तो देखे हैं, सो
एक एक किस्सा, मतलब एक तो मैंने ऐसे सुना था कि मेरे दोस्त के पहचान में ही किसी की गाड़ी चली, सो वो मुझे बोला था कि वो रात भर रख के छोड़ देता, सुबह बटन बंद करता था। अच्छा, सो मुझे तब से वो रीज़न फील होता है कि शायद ओवर चार्जिंग ये रीज़न हो सकता है। उसके अलावा मतलब आप और कुछ इनके सर्विस से आपको प्रॉब्लम है? मुझे प्रोडक्ट से ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कंपनी से हर एक चीज़ में प्रॉब्लम है। जैसे कि आपने देखा कि गाड़ी लेने के टाइम मुझे कंपनी से इशू आया, चार्जिंग इंस्टॉलेशन के टाइम कंपनी से इशू आया, उसके बाद मैंने दो एक्सेसरीज ऑर्डर किया था, आई गेस ऑर्डर किया मैंने मार्च में कुछ मैंने एक्सेसरी ऑर्डर किया, मैंने एक बड़ी स्टेप ऑर्डर किया और सेंट्रल स्टैंड ऑर्डर किया, उसके बाद चार महीने बाद मुझे ये परसों बड़ी स्टेप मिला है। अच्छा, उसमें भी कैसा, वो लोग ने दिखाया था पहले था कि एक्सपेक्टेड डिलीवरी 15 दिन बाद दिखाया था पहले, तो वो डेट आया तो उसके एक महीने बाद पुश कर दिया। सो ऐसा हर वो डेट पे वो लोग अगला डेट दे देते, जैसे कोर्ट करता है ना वैसा ये लोग का फैसिलिटी चलता है। उसमें भी कैसा वो लोग ने किया कि मैंने दो एक्सेसरीज ऑर्डर की है तो एक ही आया। अच्छा, और वो भी उन्होंने बोला कि आपको पहले बोला था कि घर पे आएगा, फिर बाद में बोला कि आपको सर्विस सेंटर जाके पिकअप करना पड़ेगा या फिर वो लगा देंगे, हाँ वो कर देंगे। सो उसका भी टाइमिंग पूछने के लिए मैं कस्टमर सर्विस में कॉल किया कि आपके ये सर्विस सेंटर का टाइमिंग क्या है, वो लोग बोलते वी डोंट नो। अच्छा, मैं बाजू में वो लोग का ये है, मैं उधर गया था, विजिट किया था, 6 बजे गया था इवनिंग को, 7 बजे गया था सॉरी, जॉब से छूट के उधर गया डायरेक्ट। सो मैं शोरूम में पूछा कि इनका टाइमिंग क्या है सर्विस सेंटर का, बोलते कि सर नहीं वो लोग का टाइमिंग वो लोग को ही पता, बोले भाई जो भी जो बंद है उनको मैं कैसे पूछेगा कि तुम्हारा टाइमिंग क्या, आप ही बताओगे ना, बोलते नहीं सर हमको नहीं पता, हम तो शोरूम वाले। ओके, सो ऐसा गंदा एक्सपीरियंस था उधर का। सो मुझे बाद में बहुत स्ट्रगल करके समझा कि इनका टाइमिंग वीकडेज में 10 से 5:30 है, ऑफिस का टाइमिंग भी वही रहता है, आदमी कब जाएगा। सो मुझे ऑब्वियसली हाफ डे डाल के जाना पड़ा और मेरा ये काम करना, उसमें भी उसने बड़ी स्टेप, उधर भी वो लोग का प्रोसेस ऐसा है कि वो जो बंदे बैठे हैं सर्विस सेंटर में वो मेल करेंगे चेन्नई, उधर से जब रिवर्ट आएगा अप्रूवल का तभी वो लोग लगाएंगे। ओके, सो वो जो बंदा वहाँ पे काम कर रहा था वो भी फ्रस्ट्रेटेड था, वो मुझे बोला कि सर यहाँ पे ऐसा ही चलता है, आप एक काम करो मेरे डिस्प्ले में लगा देता हूँ और फिर जब भी वो लोग का रिवर्ट आ जाए तो मैं वहाँ पे मार्कर्स इंस्टॉल कर दूंगा। ओके, तो उसने फिर क्योंकि मैं कैंसिल ना करूँ फिर से इसके लिए कोई एक टिकट रेस किया मेरे फ़ोन से और उसने उसके भरोसे पे इंस्टॉल कर दिया, थैंक्स टू हिम एक्चुअली। 4 महीने बाद जिसका वेट किया उसको भी अगर गाड़ी, उसके लिए भी 2 दिन रखना पड़े उधर तो कोई मतलब नहीं था। तो अभी एक और पार्ट आपने ऑर्डर किया अभी तक आया ही नहीं, वो अभी तक आया ही नहीं। तो मैं उसको बोला दोनों चीज़ एक साथ ही लगा देना, बोलता नहीं सर उसका आपको अप्रूवल नहीं आया है तो मैं नहीं दे सकता, उसका डिलीवरी नहीं आया आपकी चीज़ें, मेरे पास स्टैंड पड़े हुए लेकिन मैं लगा नहीं सकता। अच्छा, मैं बोला ठीक है बाबा अभी क्या, कुछ नहीं से कुछ सही, बोला ठीक है। सो कंपनी का एक्सपीरियंस बहुत गंदा है, बहुत गंदा। ओला का बहुत अच्छा प्रोडक्ट था, वो लोग ने ये सर्विस इस पर ध्यान देना चाहिए ताकि वो फ्यूचर में चले, ऐसा सर्विस देंगे तो अभी जैसे निशान का हुआ, गाड़ियाँ बहुत अच्छी थी लेकिन सर्विस नहीं दे पा रहे थे तो इंडिया से कम हो गई। तो वैसे मतलब ये वैसे इनका वो पाथवे ये लोग है। ओके, बट ये इसके बदले आपने अगर कोई हीरो की गाड़ी या TVS की मतलब आई क्यूब टाइप ली होती तो आपको आई थिंक सर्विस ज्यादा बेटर मिलती थी। हाँ, बिकॉज वो ऑलरेडी जायंट डोमिनेटेड है, पता है कि कैसा मेंटेनेंस होता है। ऑब्वियसली एक्सपीरियंस मैटर करता है हर कंपनी का, ये बात तो सही बोले आपकी, अगर अभी हीरो का गाड़ी होता है आज की तारीख में एक्चुअली लोग है ना मारुति की तरफ क्यों भागते पता है, क्योंकि मारुति की सर्विस मेंटेनेंस अर्बन एरिया हो या रूरल एरिया हो अच्छा सब जगह पे आपको मतलब एवरीथिंग इज अवेलेबिलिटी मिलेगी। बाकी बिल्ड क्वालिटी मारुति की कितनी अच्छी है वो सबको पता है आज की तारीख में, परफॉर्मेंस वाइज भी कोई इतना बराबर नहीं बात तो है। मतलब ये मैंने फील किया कि कंपनी मुझे सर्विस नहीं दे पा रहा है, वो अगर वो प्री सेटअप कंपनी होती बहुत सालों से तो ऑब्वियसली ये चीज नहीं होती, उनका एक्सपीरियंस लैक कर रहा है, कस्टमर को कैसे संभाला जाता है उसे। तो इनको मतलब सर्विस के अंदर अपने सुधार करने की बहुत ज्यादा बहुत बहुत है, बहुत मतलब हर एक एरिया में प्रोडक्ट बहुत अच्छा है इनका। हाँ, प्रोडक्ट नो डाउट, मैं ओला की तरफ इसीलिए गया कि हर स्कूटर से अच्छा मुझे ये स्कूटर लगा और बाद में भी यूज करने के बाद मुझे यही फील होता है। अभी ये वीडा और जो सिंपल बने हो तो अभी आया, तभी तो नहीं था, सो उनका मैं नहीं बता सकता, बट तभी जो जो मैं स्कूटर देखे उनमें मुझे यही स्कूटर अच्छा लगा। ये स्कूटर अगर मतलब कोई ऐसा आदमी लेना चाहता हो जिसको बहुत सामान कैरी करके इधर उधर जाना, अरे बहुत अच्छा है स्कूटर। एक तो ये एक्चुअली ये जो आप ये लोग जो बोलते हैं कि ये बनाना बैटरी बैकअप का बैटरी पैक का जो ये सीन है इसके लिए ये बम्प आता है, हाँ। वो प्रॉब्लमेटिक है, बट फिर भी मैं इसके ऊपर सामान रखता हूँ बहुत सारा। इसका बूट्स बहुत अच्छा है, अच्छा। बाकी सब स्कूटर से इसका बड़ा है, हाँ। सो उसमें भी बहुत जगह बहुत सारा आ जाता है। इन शॉर्ट मैं आपको बताऊँ तो बैंड्रा में मेरा एक फंक्शन था जहाँ पे वो अपन जो वाटर बॉटल का पैकेट था ना डीमार्ट में ऐसा लंबा जिसमें छोटे छोटे बॉटल्स रहते हैं, हाँ, राइट। सो वो मैं पूरा डाल दिया था इसके अंदर, हाँ, वो इतना बड़ा होता है, हाँ। तो पूरा सीट के अंदर बैठ गया था और यहाँ से बैंड्रा लेके गया। ओके, सो बूट बहुत अच्छा है, बूट अच्छा, आगे का स्पेस अच्छा, सिर्फ एक थोड़ा सा बम्पर ये प्रॉब्लम है, पर वो लोग मतलब मैंने देखा हुआ है कि
ये टेक्नोलॉजी अच्छा है बैटरी का. अच्छा. So, जो जो फ्लैट आता है उसमें वो ये बनाना बैटरी पैक नहीं आता. सो उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है. ओके. इस गाड़ी से कितना सेटिस्फाइड हो, मतलब इसके सर्विस इंक्लूडिंग, मतलब सर्विस एंड गाड़ी को मिला के आप कितना सेटिस्फाई हो, मतलब 1 से लेके अगर 10 के स्केल में आपको रेटिंग देना हो तो आप कितना रेटिंग दोगे? मैं ये थोड़ा एलाबोरेट करके बोलना चाहूंगा कि प्रोडक्ट अगर आप बोलोगे तो 10 में से 10 दूंगा मैं. ओके. सर्विस बोलोगे तो 10 में से 0 दूंगा मैं. सो ये हिसाब से ओवरऑल 10 में से 5 दूंगा मैं. जो व्यूवर्स अपने ये देख रहे हैं, मतलब उनको भी इलेक्ट्रिक की तरफ जाना है, तो आप क्या रिकमेंड करोगे कि ओला के लिए जावे कि नहीं जावे? ऑब्वियसली मैं रिकमेंड करूंगा उनको, बिकॉज गाड़ी बहुत अच्छा है. अगर आप सर्विस बेयर कर पाओगे पेशेंटली ये लोग से, तो प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है. मतलब आपको आपका डिसीजन लेना है कि कम सर्विस से प्रॉब्लम है बट प्रोडक्ट बहुत प्रॉमिसिंग है. सो अगर आपको चल जाता है ऐसा तो जाइए, अगर आपको सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है तो ओला मत लो. ओके. सो इसका पीरियडिक सर्विस है नहीं, तो वो हिसाब से आप कर सकते हो बेयर. बट सपोज आपकी गाड़ी कहीं पे रुक गई, कुछ हो गया, तो वो सिचुएशन में क्या होगा आपका? वो नहीं पता. नहीं पता, सच में नहीं पता. ठीक है, इनका कुछ नंबर है कुछ इस पे कॉल करना? हाँ, है वो लोग का कॉल पे भी आता है कि आप रोड साइड असिस्टेंस इमरजेंसी के लिए चाहिए क्या. वो ऑप्शन मैंने कभी सिलेक्ट नहीं किया ऑब्वियसली. सो रहेगा, कुछ एक्सपेक्ट करते हैं उधर. तो एटलीस्ट ये लोग 2 महीने ना लगाए हर चीज हमेशा. सो मतलब और कुछ आपको बताना है ओला के बारे में? और कुछ नहीं, बस कंपनी के लिए फीडबैक है कि सर्विस अच्छा करो और प्रोडक्ट बहुत अच्छा है. और कुछ इम्प्रूवमेंट्स, वो लोग तो हर OS में इम्प्रूवमेंट्स लाते ही है ओवर टाइम, तो वो तो उनका चल रहा है. मैप्स ठीक कर दो, बहुत अच्छा हो जाएगा. और तो कुछ नहीं. ओके. सो थैंक यू मिस्टर प्रवीण फॉर योर वैल्यूएबल फीडबैक एंड टाइम अबाउट योर स्कूटर. थैंक यू. ओके. सो गाइज, ये था एक ओला के स्कूटर के ओनर का रिव्यू कि उनके स्कूटर के बारे में और उनकी सर्विस के बारे में. सो आपको ये वीडियो कैसे लगा आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं. आप अगर स्कूटर लेना चाहते हो तो आप ओला की तरफ जाओगे क्या ये वीडियो देख के, ये भी आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं. और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक्स करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें. थैंक यू.